أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد

صراط العزينا ان امتع عليهم غير المغزوب عليهم ولا ولا تَكَوَّلَ علينا بعض الأكاويل لا أخذنا منه بال सुतना मिनहुल्बी फ़मा मिन, मिन कुन अनहरी ये सूरत अलका की चार याद अभी मैंने तिलावत कि हैं ऐत नंबर पैंतालीस से एत नंबर अठतालीस तक इन आयात का जो तरना जना मिर्ज़ा बशर महमूद अहमद साहिब ने अपने तफसर सगीर में किया है मैं सामीन के आगे उनका यह इन्हीं आयत का पढ़कर कर सुनाता हूँ ये तफसर सगीर सफ़ा सात सौ सत्तर पर उनका ये तरजमा सामीन देख सकते हैं चेक कर सकते हैं वो इन आयात के हवाला से फरमाते हैं और अगर ये शख्स यानी मोहम्मद वसल्लम हमारी तरफ झूठा इल्हाम मंसूब कर देता खा एक ही होता तो हम यकीनन इसको दाएं हाथ से पकड़ लेते और इसकी रगे गर्दन काट देते और इस सूरत में तुम में से कोई न होता जो इसे दरमियान में हायल होकर ख़ुदा की पकड़ से बचा सकता इन आयात जो हैं सूरत हक़ा की इन आयात के हवाला से या मैं कह सकता हूँ कि रगे गर्दन के काटना के हवाला से यानी मुफ्ती अल्लाह के लिए इन आयात में अल्लाह ताला ने एक वईद मकर्र फरमाई है कि मैं जो भी झूठे अलहाम बनाएगा और झूठी खें की ख्वाबें देख कर नफसानी ख्वाबें देख कर उन पर दावे करेगा और फिर उन झूठी ख्वाबों को और झूठे लाहों को मेरी तरफ मनसूब करेगा तो मैं ऐसे मुफ्त अल्लाह की रगे गर्दन काट दूँगा उसकी बतीन को खता कर दूँगा तो इस हवाला से हकमत मिर्ज़ा गुलाम ग़ल अहमदा अपनी रिसाला अरबाइन नंबर चार ये रूहानी खजैन जल सत्रह सफ़ा चार सौ चौंतीस पर फरमाते हैं आपसम फरमाते हैं इसी वजह से मैं बार बार कहता हूँ कि सद के लिए आदरत सल्ल वसम की नबूत का ज़माना नहाय सही ज़माना है नायात सही पैमाना है और हरग़ मुमकिन नहीं कि कोई शख्स झूठा होकर और खुदा पर इफ्तरा करके आदर सल्ला वल्लम के ज़माना नबूत के मुाफ़ यानि तेईस बरस तक मोहलत पा सके ज़रूर हिला होगा इसी तरह एक और इन्हीं आयात के हवाला से इसी जो मुफ्तरी अल्लाह के मतलक अल्लाह तयात में बैद क़ावतीनी के बैद का मतलब कि फ़ैसला फरमाया है इन्हीं आयात के मतलब हरज मिर्ज़ा ग़ुला अपनी इसी किताब के सफ़ा नंबर चार सौ तैतीस पर फरमाते हैं आप ऐसा फरमाते हैं और कुरान शरीफ में सदहा जगह इस बात को पाओगे कि खुदा तला मुफ़री अल्लाह को हरगज़ सलामत नहीं छोड़ता और इसी दुनिया में उसको सजा देता है और हिला करता है यानी एक मफ्तरी अल्लाह जो होता है दो चीज़ें हजन रज़ा फरमा दी उसके मतलब कि अल्लाह ताला उसको इसी दुनिया में हलाक भी करता है और सज़ा भी देता है तो इसके बाद मैं सामने कर अलबीन के तर्जमा और हकीकत के मतलब हकम हरत मिर्ज़ा गुलाम अहमद अल्साम और हजत मौलवी नूरुद्दीन रजी अल्लाह त हो और जनाब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन मामूद अहमद के बयानात पढ़ कर आप सामीन को सुनाना चाहता हूँ अगरचि ये बयान खाकसा ने गुजशत जुमा में भी पढ़े थे लेकिन मैं चाहता हूँ कि दोबारा मैं आपकी मालूमत के लिए या आपकी तवज्जा को इस तरफ मबजूल करवाने के लिए दोबारा इन बयानों को पढ़ देता हूँ हजूर शाम फरमाते हैं ये तफसीर जो हजूर की है जो जमात मद्दी कब्रस्तान ने शाइ की हुई तो उसकी जल्द नंबर चार चार सौ छप्पन पर हजूर शाम का ये इकतबास है ये बयान है आप फरमाते हैं पैगम्बर साहेब को तो ये हुक्म कि अगर तू एक इफ्तरा मुझ पर बांधता तो मैं तेरी रगे गर्दन काट देता जैसा कि ऐत बलाउ तकबला अलै अज़ल अकाबीले ला अखज़ना ना मिन यमीने बिलयमीन ला कताना ना मिन से ज़ाहिर है और यहाँ चौबीस साल से रोज़ाना इफ्तरा खुदा तला पर हो और खुदा अपनी सुनत कदीमा को ना बरते हुए यहाँ पर अपने दावा के हवाले से फरमाते हैं कि मैं चौदह चौबीस साल से इलाहाबाद और अपने कशूफ और रोया आवाम को सुना रहा हूँ और उनको अल्लाह की, की तरफ मनसूब कर रहा हूँ फिर भी वो जो अल्लाह ताली उसकी जो अल्लाह ने बैत फरमाई हुई है कि मैं मुफ्ती अल्लाह की बतिन को कत कर दूँगा काट दूँगा और उसको नबी सम की नबूत के ज़माना के मुताबिक ज़माना नहीं बख्शूँगा हूसम फरमा रहे हैं कि छवीस साल से मैं ये सारे अपने इल्हाम सुना रहा हूँ रोया कशो बता रहा हूँ और अपने इ्लामों और अपने रोया और कशो को अल्लाह ताली की तरफ मनसूब कर रहा हूँ लेकिन इसके बावजूद खुदा तला ने अपनी सुनत कदीमा के मुताबिक मेरे साथ कोई ऐसा सलूक नहीं किया दूसरा हवाला सुन लीजिए कि हज़ मौलाना नूर रजी अल्लाह तीन तफसील में फरमाते हैं हकाइक फ़ुरक़ान जल्द चार सफ़ा दो सौ तीन पर यह मौलवी नूरुद्दीन रज़ी अल्ला जो थे इसको मिर्ज़ा गुलाम साहब ने एक निशान एक ऐद करार दिया था अपनी ज़िंदगी में तो साहब फरमाते हैं बतीन वो रग है जो क़लब से सर्क हो जाती है है के जो रग कलब से सर्क हो जाती होगी तो वो ज़ाहिर गले से गुज़र कर जाती है ना वो गर्दन में से जाती है ना और उसको हम रे रग, रगे गर्दन ही कहेंगे ना शहर रग होगी बतिन उसका नाम ले लें यह जो भी कह दें उसको तीसरा हवाला सुन लीजिए कि अल्लाह ताला ने जिनकी बतीन को कता किया था यानी जनाब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन उद्दीन महमूद अहमद साहेब बतीन का तर्जमा ऐसा करते हैं और उसकी रगे गर्दन काट देते अभी मैंने तर्जमा मैं पढ़ा है उनका सुम लाक़त ना मिनबीन इस ऐद का तर्जमा ज़रा मिर्ज़ा बशीरुद्दीन मामूद अहमद तफसीर सीर सफ़ा सात सौ सत्तर पर करती हैं और उसकी रगे गर्दन काट देते। देतेबीिन के तर्जमा या हकीकत के हवाला से सामने कराऊँ जो कोई हकम अदल इमाम महदी बा मसीह मौद, हत मिर्ज़ा गुलाम अहमदाम और मौली नूरुद्दीन रजी अल्लाह त और हती के जना मिर्जा बशरुद्दीन मामूद अहमद के फरमदा को या तर्जमा को नहीं मानता वो कुछ भी हो सकता है लेकिन वो अहमदी मुसलमान कभी नहीं हो सकता ये याद रखें यानी दो तो बुज़ुर्ग हैं एक तो बान जमात है जिसकी जमात है जिसका दावा था इमाम महदी व महदीब अलैहिस्सलाम होने का, का आसम की पेशवी के मुताबिक और दूसरे उनकी पहले जानशीन जो हैं इमाम जो नूरुद्दीन रजी अल्लाह तक अन हो जिन जिनको मुंलिक उन्होंने ऐत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है अपनी किताबों में भी ये एक ऐत थे खुद तैय की मुझे दिए गए हैं और फिर आगे जिसकी बतीन कथा हुई मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद की उसने जो वतीन का तर्जमा किया है अपनी तफसीर सगैर में तो मैंने वो आप लोगों को पढ़कर सुनाया है अगर कोई अहमदी अगर खूब मतलब कि जमाती अहमदिया कोई, -कोई फ़र्द इन तराजम को नहीं मानता तो फिर मैं यू कहूंगा भी मैं कह चुका हूँ कि वो कुछ भी हो सकता है लेकिन वो कभी भी एक सच्चा अहमदी मुसलमान नहीं हो सकता शामी निकराम गुजशत खुतबा जुमा में कब्रस्तानी जमात के नाम नेहद अबूल हकम अक्रम महमुद और फालदबास्ती का आखिरी और सवाल नंबर उन्नीस इस तरह था वो लिखते हैं चौधरी साहेब हज खलीफ़ा सानी पर यानी चौधरी मोहम्मद जफर खान साहब की वो बात कर रहे हैं चौधरी साहब हज खलीफा सानी पर हम होने वाले हमले और फिर यूरोप में मुआने का जिक्र करने के बाद उससे अगले ही सफ़ा पर मुसले मौत को इस हमले के हवाला से उम्र साबित साबित करते हुए उन्हें हजत उमर रजी अल्लाह तालनों से मिशाबियत दे रहे हैं और आप मज़ल्ला उनकी कतावती की के गुमराह ख्यालों की घुमन घेरियों में उलझे बैठे हैं अल्लाह ताली आपकी हाल पर रहें फरमाए सामी निकराम और ए मेरे अहमदी बहनों भाइयों और बुज़ुर्गों खाक साहब ने गुजतः खुतबा जुआ में मजमूमा और ख़ुद सख्तल हकम के इस सवाल का इस जवाब दिया था कि हजत चौधरी मोहम्मद जफ्फरल्ला खान साहेब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अमन पर कातलाना हमले को जो हज उम्र फारूक रजी अल्लाह तर किए गए हमले के साथ तशबी दे रहे थे यानी अपनी उस किताब में रेनेसेंस ऑफ इस्लाम में वो ये सब कुछ अकीदत और लालमी में करते रहे थे वकर्ना मुफ्तरी और ख़ुद सख्त फजल उमर मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद की बतीन पर हमला को हजरत हज़रतमर फारूक के हमला से किसी तरह भी तशबीर नहीं दी जा सकती खाक खाकसान ने गुजतः खुद बजुम में इसकी तीन वजूहत बताई थी दोबारा इनका आप सब के लिए जिक्र कर देता हूँ पहली वजह हजत उमर फ़ारूक रजी अल्लाह तनु पर कातलाना हमला नमाज फजर के दौरान हुआ था जबकि बदकार और मुफ्त अल्लाह मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद एमन पर नमाज असर के बाद कातलाना हमला हुआ था कोई मुशाबित नहीं है दूसरी वजह कातल ने हजत उमर फारूक रजी अल्लाह तालू के पेट पर हमला किया था जबकि कज़ाब और मुफ्त अल्लाह और ख़ुद सख्त फजले उम्र मिर्जा बशरुद्दीन महमूद एमन पर कातल ने हमला उसकी वतीन यानी शह रग पर किया था यानी रग गर्दन पर किया था और फिर इस हमला के नतीजे में उसकी वतीन कतवी हो गई थी कोई मुशहियत नहीं दोनों में तीसरी वजह हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह पर कातलाना हमला एक गैर मुस्लिम ने किया था जबकि मुफ्त अल्लाह और ख़ुद सख्त फजल उमर मिर्जा बशीन महमूद एमन पर हमला एक मुसलमान ने ही किया था लिहाजा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तहु और मुफ्तरी अल्लाह मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद दोनों पर किए गए हमलों में कोई मुशात साबित ही नहीं हो सकती लिहाजा इस तरह वो फजल उम्र कैसे बन बैठे या कैसे बनते फिर रहे थे एहदी बहनों भाइयों और बुज़ुर्गों कब्रस्तानी जियालो और दीगर सामने क्राम सवाल है कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद पर कथावतीन के हमले को क्या हज़रत उमर फारूक रजील् तहु पर हमला हजरत उमर फारूक रजील्ल्लू पर कातलाना हमले से कोई तशवी दी जा सकती है या कि नहीं जवाबन गुजारिश है कि हर गिज गिज़ नहीं और इसकी वजूहत सिर्फ तीन नहीं है जिनका मैं अपने गुस्ता खुतबा जुमाम में भी जिक्र कर चुका हूँ और अब भी कर चुका हूँ तीन का बल्कि कुल ग्यारह वजूहत हैं तीन तो अभी मैं बता चुका हूँ चौथी वजह हजत उमर फारूक रजी अल्लाह ततलाना हमले में शहीद हुए थे ये मैं चौथी वजह बयान कर रहा हूँ कि उनके दरमियान कोई मुशाबत हो ही नहीं सकती जबकि खुद साख्ता फजल उमर मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद मफलूज होकर यानी अपनी रगे गर्दन कटवाने के बाद मफलूज होकर अपनी वफात तक सख्त दुख की मार झीलते रहे कोई मुशबियत नहीं दोनों पांचवी वजह हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तहो जो बात भी करते थे उस पर पूरी तरह अमल करते थे अपने कौल को निभाते थे वो मुसलमानों को धोखा नहीं दिया करते थे जबकि खुद सख्त फजल उमर मिर्जा बशीरुद्दीन मामूद अहमद एक फ्रेबक इंसान था उनके कॉलो फिल्म में सख्त था आप देखें कोई मुशाबत नहीं दोनों में छठी वजह हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तहु पर कातलाना हमला करने वाले गैर मुस्लिम ईरानी गैर मुस्लिम अबू लूलू फिरोज ने हमला के बाद खुदकशी कर ली थी लेकिन खुद सख्त फजल उमर मिर्जा बशीरुद्दीन मामूद अहमद की बतीन को कता करने वाले मौसमी अब्दुल हमीद वल्द मनसबदार कौम जट कामयाबी के साथ मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद की बतीन को कता करने के बाद थोड़ा वक्त जेल में रहकर बरी हो गया था दोनों में कोई मुशाबित नहीं सातवीं बजह उमर फ़ारूक रजी अल्लाह ने उमत महमदिया की क्यादत पर कब्ज़ा करने के लिए कोई मकर व फ्रेब और कोई कोशिश नहीं की थी बल्कि आप रजी अल्लाह तालों को सईदना हजरत अबू बकरीक रजी अल्लाह तहों ने अपने जानशीन के तौर पर नामज़द किया था बरखिलाफ़ इसके खुद सख्ता फ़जल उमर मिर्ज़ा बशीरुद्दीन मामूद अहमद ने मौलवी नूरुद्दीन रजी अल्लाह तनों के दौरे की आदत में तनजीमें बनाकर बड़ी जद्दोजहद और मकारी और फ्रेबकारी के साथ जमात अहमदिया की क्यादत पर कब्जा किया था कोई मुशहत नहीं दोनों में आठवीं वजह हजरत उमर फारूक रजील इंतहा मुद की और खाकसार और मिटे हुए इंसान थे जबकि तकबा और खाकसारी मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद के करीब से भी नहीं गुजरी थी कोई मुशहत नहीं दोनों में नवी वजह हजत अमर फारूक रजी अल्लाह तहु पर कभी किसी मुसलमान औरत और मर्द ने कभी बदकारी का इल्ज़ाम लगाया था जबकि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन मम्म अहमद पर आपके अपने रिश्तेदारों आपके करीबी और ख़ास खास मरीदों लड़के और लड़कियों ने हलफ मौकत अज़ाब की कस्में खाकर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों बदकारी के इल्ज़ाम लगाए थे और ख़ुद सख्ता फजल उम्र ये इल्जाम कुनंदगान से सारी जिंदगी चार गवाहों का मुतालबा करता रहा था इसने इन इल्ज़ाम कुदना के हल्फ मौकद बाजब को स्टेज पे मेंबर मम्बरसू पर खड़े होकर बिलमकबिल हल्फ मौकद बाज़ाब के साथ कभी रात नहीं किया था हमेशा सारी जिंदगी अल्जाम कुंदगान से चार गवाहों का मुतालबा करता रहा था देखिए कोई मुशाबत नहीं है। तो और दीन, हज़त उमर रजी अल्लाह तनो और ख़ुद सख्त आप फज उमर मिर्जा बशीरुद्दीन मामूद के दरमिया दसवीं वजह उमर फ़ारूक रजील् ताल का इंसाफ ज़रबुलमिसल था और इसीलिए आप रजी लह तमत ने फ़ारूक का लकब दिया हुआ है हज़रत उम्र फारूक रजी अल्लाह तहो लेकिन मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद खुद सख़्त था, फजल उमर साहिब सारी जिंदगी इंसाफ का खून करके अहमदियों को हर तरह और हर रंग में जहरीलो रसवा करता रहा और लूटता रहा दोनों में कोई मुशाबत नहीं ग्यारहवीं वजह हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तु बुनियादी हकूक के हवाला से तमाम मुसमानों को मसावी समझते थे और उनसे मसावी सलूक करते थे और उन्हें आप रजील्ल्ल उन्होंने मसावी करार दिया जबकि खुद सख्ता मुस्लिम और ख़ुद सख्ता फजल उमर साहिब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद ने कदम कदम पर आमदियों के साथ नाानसाफियाँ कें और उन्हें जलीलो रसुआ किया और उन्हें लूटा लेकिन अहमदियों को खुश करने और धोखा देने के लिए ये काजब खाली खौली मसावत के नारे ज़रूर लगाता रहा था अपनी ज़िंदगी में जैसा कि वो एक शेर में कहते हैं मसावत इस्लाम कायम करो तुम रहे बाकी रहे फ़र्क बाकी नशा हो गदा का मैं सामीन को और ऐमदी बहनों भाइयों और बुज़ुर्गों को बताना चाहता हूँ कि ज़िंदा इंसानों में तो मसावत करना दूर की बात है ना दरकिनार बात है उसके लिए उस इंसान ने तो मुर्दा इंसानों में भी फ़र्क डाल दिया था बिजती मकबरा जाओ रबा में वहाँ पर कित खास हैं कुछ ख़ास लोग हैं वो हालांकि मरे हुए लोग हैं जब इंसान मर जाता है तो उसका क्या तल्लक है बड़ा है या छोटा है वहाँ पर भी इन लोगों ने इस इस ख़ुद सख्त और फजल उम्र ने मसावत को क़ायम ना किया सबको बराबर ना किया वहाँ पर भी फ़र्क डाल दिया कुछ लोग खुद अपनी और अपने कुछ लोगों को कित्त खास में वहाँ पर दफन किया हुआ है और वहाँ जो आम जो मूसी हैं सारे हजरात बेचारे वो आम कब्रस्तान में हैं देखो ये झूठा इंसान था नारे लगाता रहा खुश करता रहा एमदियों को मसाबात इस्लाम कायम करो तुम रहे फ़र्क बाकी नशा हो गदा का ये फरेब फ्रीबकार और झूठा इंसान था ये तो मैंने ग्यारह आपको वजह बता दी हैं फ़र्क बता दी हैं कि हजरत उमर बिन फारूक रजी अल्लाह तन हो और ख़ुद सख्त फजल उमर मिर्जा बशरुद्दीन हम पर जो कातलाना हमले हुए थे उनके दरमियान कोई मुशाबत नहीं हो सकती हो सबित नहीं हो सकती सामिणिकम ये ग्यारह वजूहत एक खुतबा जुमह में तो बयान नहीं की जा सकती इनकी तफसील नहीं मैं बयान कर सकता लहजा आइंदा चंद खुब जुमह में खाक सार इन वजूहत को बयान करने की कोशिश करेगा इन शी खुद सख्ता मुसिमौद और ख़ुद सख्ता फजल उमर मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद एमन पर क़तावती के हमले को हज उम्र फ़ारूक रजी अल्लाह तहों पर कातराना हमला से हरगिज हरगिज तशवी नहीं दी जा सकती है मेरे अहमदी बहनों भाइयों और बुजुर्गों और दीगे और दीगर सामने के नाम अगली आठ वजूहत बयान करने से पहले तीन तो मैंने गुजस्त खुतबा जुम्मे में बता दी थी और इस खुतबा जुमां में शुरू में मैंने बता दी हैं अगली आठ वजूहत बयान करने से पहले खाकसार मऊद निशान रहमद या मऊद जकी उलम की इलाहा सिफ्त फजल उम्र और चंद दीगर बातों के मुतालिक कुछ अर्ज़ करना चाहता है हकम इमाम महदी बा मसीह मदह मिर्जा गुलाम अहम साम अपने इश्तिहार बानवान हक्कानी तकरीर बर वाक्य वफात बशीर और ये जो रसाल है ये जो इश्तहार था ये सब्ज रंग के औरक पर शायब हुआ था इसलिए हक्कानी तकरीर बर वाक्य वफात बशीर को सब्ज़ इश्तिहार के नाम से भी जमात अहमियमें याद किया जाता है इस रसाला में इस सब इश्तहार में हजूर शां फरमाते हैं और खुदा तला ने मुझ पर यह भी ज़ाहिर किया कि बीस फरवरी अठारह सौ छियासी की पेश गोई हकीकत में दो सही लड़कों के पैदा होने पर मुश्तमल थी और इस इबारत तक के मुबारक वो जो आसमान से आता है पहले बशीर की नस्बत पेशगोई है कि जो रूहानी तौर पर नजूल रहमत का मौजब हुआ और इसके बाद की इबारत दूसरे बशीर की नस्बत है सामिनी कराम इस सवालों को ग़ौर से सुने जो मैंने अभी पढ़ा है ये हवाला है रूहानी खजान जल्द दो सफ़ा चार सौ तिरसठ हाशिया मजमु इश्हारात जल्द अव्वल सफ़ा एक सौ उनासी हाशिया इस इकतबास के हवाले से खाक़सार दो ज़मनी बातों की वजाहत करना चाहता है नंबर एक यानी पहली बात या पहली वजाहत यह कि बशी अहमद अवल सात अगस्त अठारह सौ सतासी को पैदा हुए थे आप अम ने बशीर अहमद अवल को पैदाइश के मौक़ पर मलूद मसूद करार दे दिया था मैंने बार हवाले हाँ और सारे के पड़े हुए हैं और यही बशीर अवल जो था चार नंबर अठारह सौ के दिन पंद्रह महीने का होकर फौत हो गया था और ये भी याद रखें कि महम यानी हत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहम शाम माउद लड़के से मुतलक़ा यानी बशीर अवल जो फौत हुआ था इससे मुतलका इल्हामी पेशयों के हिस्से को पूरा कर बैठे थे यानी मऊद लड़का से मुतलका जो इल्हामी इलामी पेशे मौद में वो जो हिस्सा है ना सो तो ये बशारत हो के एक बजी और पाक लड़का दिया जाए दिया जाएगा या वो लड़का तेरी ही तुख से और तेरी ही ज़रूरीत नसल होगा मुबारक जो वो जो आसमान से आता तब ये माऊ लड़की से मुतलका बातें हैं तो मुलहम जो था हज मिर्ज़ा गुलाम माऊ लड़के से मुतलका इल्हा पेशगी के हिस्से को पूरा कर बैठे थे बशीर अहमद अबल की वफात के साथ कि लड़का पैदा हुआ आया पंद्रह महीने जिंदा रहा और फिर मेहमान के तौर तो पर रहकर चला गया अब उनके ख्याल में स्वामी निगराम ये बड़ी अहम नुकतः है मैं आ जमात अहमदिया कब्रस्तान के खलीफों को उनके पेट पर रसम को और उनके अबा अरबाबो अख्तियार को उनको जयालू को बतौर खास समझाना चाहता हूँ ये मेरी बात को तोज्जह से सुने अब उनके ख्याल में यानी मिर्ज़ा गुलाम साहब के ख्याल में उनका मजमूमा दूसरा लड़का जकी गुलाम था जिसकी पैदाइश का उन्हें इंतज़ार था लेकिन अल्लाह तारा सानी की पैदा की बिशारत के साथ मऊ लड़का से मुतलका पेश मुत के ज़मी हिस्सा को जिंदा रखा था बारहा मैंने वो बशीर सानी की जो इल्हाम हैं मैंने अपने खुतबात में अपने लिखे भी हुए हैं पढ़े भी हुए हैं तो फिर मैं कह देता हूँ कि लेकिन अल्लाह तारा ने बशीर सानी की बशारत के साथ मऊ लड़का से मुतलक इल्मी पेश मुसी मौत के ज़िमनी हिस्सा को मलहम की सोच फहम के बर जिंदा रखा था दूसरी ज़िमनी बात यह है या दूसरी वजाहत यह है कि दूसरे बशीर या बशीर सानी की पैदाइश बारह जनवरी अठारह सौ उनानवे के मौका पर हजूर असाम अपने सब्ज़ इश्तहार वाले मौकफ़ और इसके बाद की इबारत दूस इसके बाद की इबारत दूसरे बशीर की नस्बत है से दस्त बरदार हो गए थे तो सुनिए ख़ासकर वो जेलो जो मेरे साथ आयदन करते हो बदजबानी सुनो ये मैं क्या कह रहा हूँ वो दस्तबार दस्तबरदार हो गए थे जब ये बारह जमीर अठारह सौ को बशीर सानी पैदा हुआ था जैसा कि ब, ब, बशीर सानी खुद सख्त फजल उम्र मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद की पैदाश के मौका पर मुरहम फरमाता है और उनका ये जो हवाला है ये इश्तहार तकमील तबलीग इश्तहार तकमील तबलीग مجموعہ इश्हारा जल्द अब्वल सफ़ा एक सौ इक्यानवे हाशा पर पढ़ा जा सकता है वह मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए हजूसा फरमाते हैं बारह जनवरी अठारह सौ नवे को जिस दिन बशीरुद्दीन ममूद पैदा हुआ था फरमाते हैं आज बारह जनवरी अठारह सौ उन्नानवे में, में बात नौ जमातील अब्बल तेरह सौ छः हिजरी रोज़ शंबा में इस आज़िज के घर में बाफजल ही ताला एक लड़का पैदा हो गया है जिसका नाम बिलफिल महज तफावल के तौर पर बशीर और महमूद भी रखा गया है और कामिल इनकशाफ के बाद फिर इतला दी जाएगी मगर अभी तक मुझ पर यह नहीं खुला कि यही लड़का मुस्लिम मौत और उम्र पाने वाला है या वो कोई और है लेकिन मैं जानता हूँ और महकम यकीन से जानता हूँ कि खुदा तला अपने वादा के मुआफ़ मुझसे मामला करेगा और अगर अभी उस मऊ लड़के के पैदा होने का वक्त नहीं आया तो दूसरे वक्त में वो जरूर वो जहूर पजीर होगा सामने कैम हम देखते हैं कि इस इकतबास में या बशीरुद्दीन मामूद की पैदाइश के मौका पर हजू साहब ने उनका नाम बतौर तफावर रखा बशीर और मामूद और हम देखते हैं कि हक़म अदल हज़ मिर्ज़ा गुलाम अहमद अपने सब्ज़ इश्तार वाले बयान से जैसे कि वो कहते हैं इसके बाद की इबारत दूसरे बशीर की नस्बत है वो इस बयान से रजू फरमा था उन्होंने बशीरुद्दीन महमूद की पैदाश के मौका पर बारह जनवरी अठारह सौ उनानवे को इश्ति तकमील तबरीक अभी मैंने हवाला आप लोगों के आगे पढ़ दिया है रजू फ्रमा लिया था इसका मतलब यह है कि पीछे हट गए थे रिट्रीट कर लिया था अपने बयान से और सिर्फ उनका बशीरुद्दीन महमूद का नाम बतौर तफावर रखा था ये तो दो वजाफें थीं जो मैं मस्कूर जो एक बास सब्रश्हार को मैंने पढ़ा था अब इसम का उसके मतलब जो मैंने करनी थी वो मैंने कर दी हैं अब सामिन कराम इल्मी सिफ्त या फजल उम्र के हवाले से हकमुदिल्मां महदबा मसीह मदलासाम सब इश्तार में ही फरमाते हैं आपसा फ़रमाते हैं और ये सब जल दो सफ़ा चार सौ सतासठ आपसा फरमाती हैं और ये धोखा खाना नहीं चाहिए कि जिस पेशो का जिक्र हुआ है वो मुझसे के हक़ में है क्योंकि बजरिया इम साफ़ तौर पर खुल गया है कि ये सब इबारतें पिछरे मतवफी के हक में हैं और मुसल मौत के हक में जो पेश गुई है वो इस इबारत से शुरू होती है कि इसके साथ फजल है जो उसके आने के साथ आएगा पस मुसल मौत का नाम इल्हामी इबारत में फजल रखा गया और नीज दूसरा नाम इसका मामूद और तीसरा नाम इसका बशीसानी भी है और एक इल्हाम में उसका नाम फजल उम्र ज़ाहिर किया गया है और ज़रूर था कि इसका आना मर्ज़ अलतबा में रहता जब तक ये बशीर जो फ़ौत हो गया यानी बशीर अबल की वो बात कर रहे हैं और जब तक ये बशीर जो फ़ौत हो गया है पैदा होकर फिर वापस उठाया जाता क्योंकि ये सब अमूर हमत इलाहिया ने उसके कदमों के नीचे रखे थे और बशीर अबल जो फ़ौत हो गया है बशरसानी के लिए बतौर अरहास था इसलिए दोनों का एक ही पेशो में जिक्र किया गया हुसम का ये जो हवाला मैंने पढ़ा इसमें हजू साहब ने अपने उस इ्ल्म का ज़िक्र फर्मा दिया है कि जकी ाम निशान रहमत का एक इामी नाम या इामी सिफत या इल्मी अलामत कह लें कि फ़ज उम्र भी है अल्लाह तार मिर्ज़ा ऊँब पर ज़ाहिर फरमाई थी अब मैं हजूषाब की इस इकतबाश के हवाले से तीन बातों का जिक्र करना चाहता हूँ पहली बात ये याद रखें सामने कराम कि पेश गोई मुझसे मौत का यानी बीस फरवरी अठारह सौ छियासी की इलामी पेश गई या इलामी पेश मुसे मौत का आगाज़ तो उसके पहले फिक्र से ही शुरू हो जाता है जैसा कि ला तरमाता है मम को मुखब करके कि मैं तो जे रहमत का निशान देता हूँ उसी के मौफ़ तूने मुझसे मांगा यहाँ से वो इलामी पेश मुत तो शुरू हो जाती है वो मऊद निशानी रहमत है और सूरत मरीम पढ़े वहाँ पर जो आयात हैं मतलब कि जहाँ मरीम का जिक्र शुरू होता है वहाँ पर पढ़े देखें तो वहाँ पर ज़की ग़ुलाम को अल्लाह ताला ने मौद मूसवी ज़की ग़ुलाम को नशान रहमत करार दिया हुआ है यहाँ पर भी ये निशान रहमत की ख़बर दी जा रही है महमदी मरियम हरत मिर्ज़ा ग़ुलाम ग़लमसम को तो इल्हामी पेश मुसे मौद में मुस्से मौत का आगाज़ जो है वो तो पहले फ़िक्र से शुरू हो जाता है जैसे कि अल्लाह फरमाता है मैं तो जिक रमद का निशान देता हूँ उसी के मौपू पर भी मुझसे मांगा और जैसा कि उसने फरमा रहे हैं कि इसके साथ फजल है जो उसके आने के साथ आएगा भी यहाँ से वो पेशगो शुरू होती है दरअसल यहाँ से इलामी पेशगो मुस्लिम उद का चौथा और आखिरी हिस्सा शुरू होता है जहाँ पर वो मुस्लिम महद या जकी ऊलम या निशान बड़ी तफसील से अल्लाह ने बताया हुआ कि वो क्या क्या हो वो कौन होगा उसकी इल्म की क्या हालत होगी वो दुनिया में क्या करेगा और फिर कब अपने नफसी आसमान की तरफ उठाया जाएगा दूसरी बात ये सुन लीजिए कि इस हवाला के हवाला जो मैंने पढ़ा अभी हुसाम का सब अश्तार का जो इकतबास तो मजकूरा हवाले में शामिल कराम हजूर साहब ने मूस मौत यानी जकीी ग़लम निशान के बाद इल्मी नामों का जिक्र फरमाया है मसल फजल मामूद बशीर सानी और फजल उमर मुस्लिम मौत के इ्हामी नाम हैं अगर हजूर साहब ने इन इल्मी नामों में से जियालो तो से सुनो मेरी बात और पूरे आमदी जमात कब्रस्तान के बुजुर्ग बहने भाई सब तो सुने अगर हजूर साहब ने इन इल्हामी नामों में से कोई इल्हामी नाम बतौर तफावल अपने किसी लड़के का रखा भी हो और साथ ये भी फरमा दिया हो कि इस लड़के के नाम बिलफिल महज तफावल के तौर पर बशीर और महूद भी रखा गया है और कामिल इनकशाफ के बाद फिर इतला दी जाएगी मगर अभी तक मुझ पर यह नहीं खुला कि यही लड़का मुस्लिम बहुत और उम्र पाने वाला है या वह कोई और है तो भी वो लड़का यानी बशीरुद्दीन महमूद अहमद महज बतौर तफावल नाम रखे जाने से ना ही वो फजल और ना ही वो मुसी मौत बन सकता है बतौर तफावल नाम रखे थे तीसरी बात ये सुन लीजिए कि मजीद बार अगर इस बशीरुद्दीन महमूद अहमद की पैदाइश के बाद हजूर सामने इस लड़के के मतलब कोई ऐसा इंकशाफ कि यही लड़का यानि बशरद्दीन महमूद अहमद मौलू मसूद है या यही लड़का मौलूद मऊद है या यही लड़का मसल मऊद है या यही वो लड़का है जिसकी बीस फरवरी अठारह सौ छियासी की लहमी पेशगोई में बिशारत दी गई है अगर हजूर साहब ने इस किस्म की कोई बात भी ना की हो उसके मतलब बल्कि जो इनकशाफ किए जो इनकशाफ़ा किए हूँ वो खुद सख्ता फ़जल उमर मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद के मसल होने के बरखिलाफ़ हों या उसकी नफ़ी करते हों तो फिर वो लड़का यानी मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद खुद ब खुद या अफरादी जमात के बनाने से मुसे मौद और फजल उम्र कैसे बन सकते हैं ये भी याद रखें एक और बात कि ये जो इलामी नामों का जिक्र फर्माया है ना उसने अपने इस इकतबास में फजल महमूद बशीर सानी फजल उमर असल या मुसैम मौत ये जो है ना ये मुस्म मौत उनका अपना दिया हुआ टाइटल है ये जो इलामी नाम है ना ये वो मऊद निशान रहमत के हैं वो मऊक़ी ाम मसीह जमा के हैं अल्लाह ताली इस दुनिया में चिल्ला होशारपुर में नाजर होने वाली इलामी पेशगोई निशान रहमत या इलामी पेशगोई ज़की ामजा को जिस वजूद को उसका मस्ताक बनाएगा अल्लाह तै बनाएगा लोग नहीं बनाएगा या वो खुद नहीं बनेगा जिसको अल्लाह तै बनाएगा उसके लिए इल्हामी नाम हैं फ़ल्ल महमूद बशीर सानी फ़जल मोर वग़ैरह तो हज़र साहब ने अगर बतौर तो वहल अपने किसी लड़के के हवाले से ये नाम रख दिए हैं तो इससे वो बतौर तो वहल नाम रखने से वो मुस्लिम मऊ या फजल उम्र नहीं बन गया बन सकता था ना बना है हाँ झूठे दावे उसने किए तो उसके झूठे दावों की फिर सजा भी पाई उसने सामिन कराम इसके बाद मैं निश, मऊ नि नशान या मऊद जकी से मुतलक इलामी अलामत या सिफ फजर के मुत कुछ बाना चाहता हूँ कि क्यों ना इसका नाम क्यों रखा गया उस निशान रहमद का यजाकि ग़लम का अल्लाह तारा ने इल्हमी तौर पर कि फ़जल उम्र उसको नाम दिया है तो इसके मतलब सामने का मैं आप लोगों के आगे एक आसम की एक हदीस जो है वो पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ वो हदीस इस तरह है कि आसम फरमाते हैं ये मैं हदीस का तर्जमा पढ़ता हूँ सिर्फ़ और उसका मैं अरबी बरकत बचाने के लिए वो छोड़ देता हूँ ये हदीस जो हदीकत उस हदीकत उस सफ़ा आठ सौ निन्यानवे पर हदीस है ये और ये हदीस जो है बुखारी किताबुल अम्बिया बाब नजूल इस मरियम नंबरी यहाँ से ली गई है मैं सिर्फ़ इसका तर्जमा पढ़ देता हूँ हजर अबू ताला रजील्ला बयान करते हैं कि आजम ने फरमाया कसम है इस जात पाक की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है अन करीब तुम में इब्ने मरीम नाजिल होंगे कौन नाजुल होंगे इब्ने मरीम मरीम के बेटे यहाँ पर मूसी मरीम की बात आसम नहीं फरमा रहे मोहम्मदी मरियम की बात फरमा रहे हैं आसम फरमा रहे हैं कसम है उस जात पा की जिसके कब्जा कुदरत

अल्लाह तारा ने उस ममदी मरीमत मिर्ज़ा गुलाम शाम पर उस निशान रहमत गुलाम के मतलब वो जो इमामी सिफ़ दी है उसके मतलब फ़रमाया कि फजल उम्र यानी वो इंसान अपनी आद आदिल हाकम होगा और अपने अदर के हवाला से हजर उम्र फ़ारूक रजी अल्लाह तुम से मुशाबत रखता होगा तभी ने फरमाया कि उसका नाम इमामी सिफत बताई जाए कि वो फजल उम्र होगा आगे हदीस है वो सलीब को तोड़ेंगे खंजीर को कतल करेंगे लड़ाई को ख़त्म करेंगे यानी इसका ज़माना मज़बी जंगों के ज़माना के खात्मा का ज़माना होगा इसी तरह वो माल भी लुटाएंगे लेकिन कोई उसे कबूल नहीं करेगा ऐसे वक्त में एक सज़दा दुनिया माफिया से बेहतर होगा वगैरह वगैरह लंबी अगर हदीसें आ गई तो बाहर मैं जो समझाना चाह चाहता था आपको वो मैंने समझा दिया है कि आदिल हाकिम होंगे आंस में फरमाया है फरमाया हकमन फरमायाकमन अदल अदलहकम होंगे वो अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से इंसाफ़ करेंगे लोगों में कि हज़त उमर फारूक रजी अल्लाह तुम की याद ताज़ा हो जाएगी लोगों के आगे ये एक बात दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नमतल्ला वली जो है उसका एक कसीदा है बड़ा मशहूर और हजूर साहब अपनी किताब जरसाल निशान आसमानी आसमानी निशान आसमानी में उसका जिक्र फ़रमाया हुआ है मैं चंद अशार जो हैं उसके मैं उनका थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ इसी हवाला से नकम अदलन जो आसम ने फरमाया है कि आदिल हकम होंगे या ये फ़लर के हवाले से पहली बात तो ये है कि पहले दो अशार जो हैं वो इस तरह हैं किदरत किरदगार मी बी नम हालत रोज़गार मी बी नम खुदा तला की कुदरत देख रहा हूँ और ज़माना के बदलते हुए हालात देख रहा हूँ अज नजूम ई सुखन नमी गोयम बल्कि अज करदगार में बी मैं ये बातें इल्म नज़ूम की बना पर नहीं कह रहा बल्कि खुदा ताल की तरफ से कह रहा हूँ हसत मिर्ज़ा इन दोनों अशार के साथ तरन्मा फरमाते हैं यानी जो कुछ मैं इन अब्यात में लिखूँगा वो मुंजमाना ख़बर नहीं बल्कि इल्हमी तौर पर मुझको खुदा तैयार की तरफ से मालूम हुआ है तो ये तो दो अशार का मैंने तरन्मा कर दिया है कि रूसाम इसका पचपन शेर है इसके कशीदा के हुसम ने अपनी किताब निशान निशान में इसका हवाला दिया इसका मतलब ये कि हु समझते थे यकीन रखते थे कि ये बाकी इलामी बातें हैं जो इस निम्त साहब ने लिखी हैं अपने कसीदा में चंद अशार सुन लीजिए <coughs> ये शेर नंबर उनंजा को मैं पढ़ता हूँ वो फरमाते हैं ई जहाँ रा चू मिस्र मी नगरम अदल ऊ हसार मी बिनम मैं इस दुनिया को एक शहर की तरह देख रहा हूँ और इसके अदल को किला बनते देख रहा हूँ इस अज से पहले दुनिया में कभी भी दुनिया एक शहर की तरह नहीं बनी थी इस अज से पहले दूसरी बात यह है कि और आज खाकसार के वक्त में इन शाल ये दुनिया अदल का किला भी बनेगी और ये भी कि इस शेर का जो मजमून है कभी भी मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद के मुंतलिक हो ही नहीं सकता ना उन्होंने ज़िंदगी में इस मुंबई किया था अच्छा अगला शेर सुनिए आगे वो शेर नंबर पचास में फरमाते हैं हफ्त बाशत बाशद वजीर सुल्तानम हमारा कामगार मीबीना मेरे बादशाह के साथ वजीर होंगे और मैं तमाम को कामयाब और कामरान देख रहा हूँ तो इन याद रखें कि ये पेशगोई जो है नमत वली साहब की अलहमी बातें हैं उसकी जो उसने आठ साल पहले बता दी थी अपने इस कसीदा की ये जरूर जकी ऊल मेंजमा के वक्त में पूरी होंगी तो मिर्जा मम्मू साहब किसी मुल्क का बादशाह ना तो बादशी बहादाय वो तो सारी ज़िंदगी अपने जमात में कब्जा करके और अपने नाज शाज बना के हुकूमतें करता रहा था आगे वो लिखते हैं शेर नंबर इक्यावन है बरकफ दस्त साकी बहदत बाद खुश खुशगवार मीप की नम इस शाकी बहदद के हाथ की हथेली पर खुश मज़ा और खुशगुबार शराब का जाम देख रहा हूँ सामिण कर इस शेर में शाकी बहदत से मुराद महमदी मरीम का जकाम है माउद और उसके हाथ की हथेली पर तोद का सबसे बड़ा जाम बर्चुअस गार्ड इनशा होगा जिससे आलम कुल आलम शराब होगा ताला। ताला की तहदानियत और तोहैद हवाला से सबसे बड़ा ये नजरिया है बर्चेस गार्ड आलाइन था यह मांगी नजरिया तो इसकी तफसील मैं नहीं बताता तो बहरल आगे जो शेर है अगला त्रिपन शेर है वो फरमाते हैं गुर्ग बा मेष शेर बा आहू दर चरा बीनम भेड़िया और भेड़ शेर और हिरन को चरा गां में बेखौफ खतर देख रहा हूं यानी कमाल दर्जे का अमन और सुकून होगा ये है वो हकमदल ये है वो फजल इल्हामी नाम जो अल्लाह ताला ने उस उसकी निशान रहमत के मतलब वल्ह पर नाजर सुनाते इसकी हकीकत अगला शेर आखिरी इस तरह है कि नेमतुल्ला नश्त बर कंजे अज हम किनार मीबी नियमतल्ला सब से अलग थलग होकर एक कोने में बैठ जा और किनारा खुश होते हुए मैं उसको देख रहा हूँ तो ये उसके हवाला से ये शेर थे कुछ तो मुझे उम्मीद है सामिरिन इक्राम को पता लग गया होगा कि क्यों अल्लाह तारा ने महमदी मरीम हक मिर्ज़ा ग़ल सा पर जिस जक़ल की पेशगुई नाज़िल कम थी निशान रहमत के हवाले से उसको फजल उमर का इल्मी नाम क्यों दिया अब खाकसार सामिया इक्राम खुद साख्ता मुस्लिम मऊद और ख़ुद साख्त फजल उमर मिर्ज़ा बशरुद्दीन मामुलद अहमद पर ख़ावतीन के हमले को हजरत उम्र फ़ारूक रजील् ताल पर कतलाना हमला से हरगज़ हरगज़ तशवी नहीं दी जा सकती के सिलसिले में मजीद चौथी वजह बयान करता है चौथी वजह इस तरह है कि उमर फ़ारूक़ रजी अल्ल् तन हो कातराना हमले में शहीद हुए थे जबकि खुद सख्त फजल उम्र मिजा बशीरुद्दीन महमूद अहमद मफलूज होकर अपनी वफा तक सख्त दुख की मार झीलते रहे थे हजरत उमर फ़ारूक रजी लन हो कातराना हमले के बाद शहीद हो गए थे जैसे अभी मैंने कहा है और आपकी तदफीन रोज़ रसूल में आसम के पहलू में हुई थी और इस तरह हज़रत की यह पेश गोई पूरी हो गई जैसा कि आप सलोस फ़रमाते हैं यानी हदीस का है वो वो हदीस इस तरह है अन अब्दिल्ला हिब उमरिम बरजल्हो अन हो काला कला रसूल सल्हु वसलम सलोई सबन मरियम अलअर्ज़ भयत अरबा सनत सममू तो फुद फ़ानो मायफ़ी बरी वना वनो मरियम आफ़ी कब्रिन वाहिदिन बना अबी बकरिन वम्र मिशात जल तीन बाब नजूल ईसा इबन मरियम तर्जमा इस है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरो रजील तन बयान करते हैं कि रसूल ने फरमाया कि ईसा बिन मरियम तशरीफ़ लाएँगे यानी वह नाजुल होंगे वह शादी करेंगे ईसा इबन मरियम से मुराद है कि इबन मरियम ईसा बिन मरीम से मुराद है कि मरीम का बेटा ईसा ये यहाँ पर याद रखें कि महमदी मरियम मिर्ज़ा गुलाम का वो रूहानी फरजंद है ईसा इब्ने मरियम ईसा अबिन मरीम नाजल होंगे वो शादी करेंगे और उनकी औलाद होगी और वो पैंतालीस साल रहेंगे यानी दुनिया में फिर वफात पाएंगे और फिर और मेरी और मेरे साथ मेरी कब्र में दफन किए जाएंगे फिर मैं और ईसा इबन मरियम यानी महमदी मरीम का बेटा इब्ने मरीम ईसा इब्ने मरीम एक ही कबर से अबू बकर अल्लाह तआला हो व अल्लाह तआला अनहु के दरमियान से उठेंगे तो ये यहां पर आप समझ गए होंगे कि इसमें आंस ने फरमाया है कि क्यामत के दिन मसीह इस अबिन मरीम और मैं एक ही कबर से अबू बकर तआला अनहु व अल्लाह तआला अनहु के दरमियान से उठेंगे उमर रजी अल्लाह ताल शहीद हो गए और फिर आसम की इसी पेश गोई के मुताबिक यानी ये आसम की हदीस आदि पूरी हो चुकी है इसी पेशगोई के मुताबिक रोज़ा रसूल सब में फिर उनकी तदफीन हुई थी तो रोज़ रसूल में तदफीन होने के हवाले से भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो किस हुई थी मैं बताता हूँ कि हज़रत मग़रा रजी अल्लाह तह बिन शोबा का एक ईरानी नसल गुलाम लूलू फ़िरोज नामी था उसने उमर रजी अल्ल त से शिकायत की कि मगरह मुझसे रोज़ीना ज़्यादा लेते हैं आप उसमें कमी करा दें पूछा क्या देते हो उसने बताया रोज़ाना दो दरहम आप रजी ल ने पूछा कमाई का ज़रिया क्या है उसने बताया नजारी नक्काशी और अहम आप रजी अल्लाह तआला रजील्ल्ल् फरमाया ऐसे मुनफित बख्श ज़राए रखने वाला आदमी तो दो दिरहम बड़ी आसानी से दे सकता है दूसरे दिन फजर के वक्त जब आप रजी अल्लाह तआला अनु नमाज़ पढ़ रहे थे अबू लूलू मस्जिद में दाखिल हुआ और आप पर खंजर से छः वार किए जिनमें से एक जेर नाफ़ लगा और वही शहादत का बहस हुआ जब लोगों ने उसे पकड़ा तो उसने खुदकशी कर ली हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला तनु ज़ख्मी होकर गिर पड़े और पूछा कि हमलावर कौन है लोगों ने नाम बताया तो कहा मैं अल्लाह की बारगाह में शुक्रगुजार हूं कि मेरा कातिल कोई मुसलमान नहीं हजरत हज़रतब्दरमान रजी अल्लाह अल्लबिन नवाज़ फजर पढ़ाई और लोगों ने आप रजी अल्लाह तन को घर से जाकर दवाई पिलाई तो वो ज़ख्म रास्ते से तो वो जख्म के रास्ते से बाहर निकल पड़े इसलिए यकीन हो गया कुछ जानबर नहीं हो सकेंगे आप रज़ील्ल्ल तनों ने यहीं सैदा हतर फ़ारूक रजी अल्लाह ने अपने साहबजादे हत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तन से कहा ऐशा रजी अल्लाह तालों के पास जाकर दरख्वास करो कि वो हजरे में आ हज़रत हज़र सल्हुस के करीब मुझे दफन होने की इजाज़त दे दें वो गए तो ऐशा मिलमोमिन रज़ी अल्लाह अल्ल तहु रो रही थी अब्दुल्ला के जवाब में कहा यह जगह मैंने अपने लिए रखी थी लेकिन उम्र रजी अल्लाह ला को अपनी ज़ात पर तरजीह देती हूँ साहिबजादा ने वापस आकर खुशखबरी सुनाई तो फरमाया यानी फरमायानी हज़ुमर रजी अल्लाह ने फरमाया मेरी सबसे बड़ी आरजू यही थी तो सामीन को पता लग गया होगा कि शहीद हुए हज़ुमर फ़ारूक रजी अल्लाह रजील् तह और फिर आंस की पेशगी के मुताबिक आपकी तदफीन आपके साथ रोज़ा रसूल सरसमें हुई तो इस मतलब कि ये उनका मतलब के कातलाना हमले के बाद उनका ये अंजाम था जबकि दूसरी तरफ खुद सख्त मुस्से मौत और ख़ुद साख्त फजलियों पर मिर्जा बशीरुद्दीन मामूद अहमद अपनी वतीन कटवा कर भी जिंदा रखे गए और वो मफलूज होकर बस मर पर ग्यारह साल तक अपनी वफात तक इड़ियाँ रगड़ते रहे और हकमदल के फरमदात के मुताबिक सख्त दुख की मार झेलते रहे यहाँ पर मैं अक्सर हवाले पढ़ा करता हूँ ख़ुद उनके अलफ़ज़ल में शाये हुए हैं कि मैं मुझे फालज हो गया है और मैं इमदाद का मुताज पखाना पेशाब के लिए भी इमदाद का मताज़ वगैरह वगैरह तो ये मिर्ज़ा गुलाम साहब ने तो फालज की बीमारी को दुख की मार करार दिया है तो मैं उन हवालों को मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ अपने खुतबात में अपने मजमूनों में भी इनका ज़िक्र है ये चार हवाले हैं उनके अपने अलफाज़ हैं और उनके डॉक्टर मिर्ज़ा मुनवर अहम साहब का बयान है, तो उसके मुताबिक हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी तो बिल्कुल मतलब कि ग्यारह साल तक वो एडमिट रगड़ता रहा सजा पाता रहा, रहा से, क्योंकि वो मुजरम था उसने एक जूठा दावा मुझसे मौत किया पहले जमात एम पर कब्ज़ा किया उन्नीस सौ चौदह में और फिर एक अजीम इलामी पेश की मौत पर भी जूठे जूठी खवाबें देख के जूठी लागर कब्ज़ा घर बैठा था तो उसके नतीजे में फिर अल्लाह तार सलाह दी आप खुद फैसला करें कि हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह ततला आने के बाद जो उनका अंजाम हुआ तो ये बशीरुद्दीन महमूद अहमद खुद साख्ता फजल उम्र का जो अंजाम हुआ तो क्या इनमें कोई तशबी हो सकती है हरगज हर, नहीं तो ये शख्स फिर ग्यारह साल आ, बिस्तरे मल पर रेडियाँ रखता रहा फिर गालबन सात या नौ नवंबर उन्नीस सौ पैसठ को फौत हो गया था पाँचवीं वजह की मैं अब करता हूँ जिक्र करता हूँ कि वो क्या वजह है कि हम हजरत फारूक रजी अल्लाह तह के पर किए गए कातलाना हमले को बशीरुद्दीन महमूद अहमद पर किए गए कातलाना हमले से कुछ तछवी नहीं दे सकते ये पाँचवीं वजह सुनिए कि हज़त उम्र फ़ारूक रजी अल्लाह तनो सामने जो जो बात भी करते थे उस पर पूरी तरह अमल करते थे अपने कॉल को निभाते थे वो मुसलमानों को धोखा नहीं दिया करते थे जबकि ख़ुद सख्ता मुस्म और ख़ुद सख्ता फजल उमर मिर्जा बशीर उद्दीन महमूद अहमद एक फ्रेबक इंसान था उनके कॉल और फिल्म में सख्त तजाद था मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उनका यहाँ पर तफसील तो मैं अक्सर मैं बताया करता हूँ तो आज मैं फिर थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखें वो खली बेटा बनाने के हवाला से जो हैं वो क्या कहते हैं उनका एक बयान है ये उनकी किताब है बरक़ात खिलाफत अनमारम जेल दो सफ़ा एक सौ सत्तर पर वो कहती हैं बेटा बाप के बाद खलीफा नहीं हो सकता जैसा कि हज़ुमर रजी अल्लाह तुका इतकाद था और मेरा भी यही इतका है और यही वजह थी के कि उमर रजी अल्लाह अपने बाद ततली खलीफा खलीफा के मतलब फ़रमाया कि मेरे बेट, बेटे से इसमें मशुरा लिया जाए लेकिन इसको खलीफा बनने का हक़ ना होगा तो ये देखो कहते हैं कि मैं भी उसी तरह हूं लेकिन अमलन क्या हुआ फिर उन्होंने तो पहले ही अपनी तैयारी करवा दी थी अपने बेटे मिर्जा नासिर को होवन नासिर कह के आम अल्फाज उन्होंने तकरीरों में पढ़ने शुरू कर दिए मजामिनों में लिखने शुरू कर दिए हो नासिर मकसद ये था कि मेरे बेटे नासिर की तरफ तवज्जो करो तो ये मकार फ्रेबी आदमी था कहता है कि मैं भी हूँ अल्लाह तआला तनों की तरह ही मेरा इतका है कि बाप के बाद बेटा खलीफा नहीं होना चाहिए आज तक देखो कौन लोग हैं जिनके कब्ज़ा में जमाती अम्दिया जो है मिर्ज़ा गुलाम सौ की जिनके कब्ज़े में है वो कौन है नाम याद खलीफे बनते आ रहे ये क्या बयान क्या है ये बंदा दे रहा था दूसरा बयान सुन लीजिए इसी तकरीर में वो कहते हैं मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तो ये जायज़ ही नहीं समझता कि बाप के बाद बेटा खलीफा हो हाँ अगर खुदा तला मामूर कर दे तो ये अलग बात है और हज़त उम्र रजी अल्लाह लन की तरह मेरा भी यही अकीदा है कि बाप के बाद बेटा खलीफा नहीं होगा नहीं होना चाहिए सामीन इकरम और अब अमलन आप देख लें कि अमलन क्या तमाशा जमाती अमदिया में हुआ इसकी वफात के बाद या सख्त फजल उम्र की वफात के बाद अब कौन है कौन बना तखलीफा फिर पहले तो खिलाफती नहीं है सब झूठ दजर फ्रेब का रही है उमत ममदिया में खिलाफत लाभ में नहाज नोत सूरत अल नूर की आय नंबर छप्पन के मुताबिक वो तेजीदी सिसा जो है जो तीस साल की खिलाफत का ज़माना जो आंसू के बाद वो रहा उसके बाद तजदीदी सिलसिला जो आंसू ने फरमाया है कि हर सौ साल के बाद अल्लाह ताला मेरी उम्मत में जो बेतें और गलतियाँ पड़ेंगी उनकी तजदीद के लिए उनकी सलाह के लिए उम्मत ममदी में से किसी मोम को महूस करेगा ये वो तजदीदी सिलसिला है सूरत नूर ऐत नंबर छप्पन के मुताबिक ये वो खलीफे हैं जिन्हें अल्लाह तला मामूष फरमाता है ये मरदूद लोग मस्जिदों में बैठ के एक बंदा मरता है इनका मस्तम कुंडे शुंडे लगा के अंदर बैठ के फ़ौरन दी नवा खलीफा बन गए खलीफा बना देते हैं और कहते हैं अल्लाह ने बनाया फिर इतने झूठे लोग हैं अब ख़ुद देखें कि बंदे के बयान क्या थे हुआ क्या आज तक क्या होता चला आ रहा है और मैं हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनु के हवाले से भी कुछ बातें आपको बता देता हूँ जानशीनी का मसला उनका ये जो है बड़ी दिलचस्प बातें हैं मैं तफसील छोड़ता हूँ छः इन्होंने छः आदमियों की कमेटी बना दी थी और जब उन्होंने कहा था दोस्तों ने कि अपना कि अपने बेटे को किसी को बना दें यानी अब्दुल्ला को बिन उमर को तो नापसंद किया उन्होंने छः की कमेटी बनाई और ये कह दिया था कि इन छः आदमियों से उनके नाम ये हैं कि हजरत षमान रजी अल्ल तन हजरत अली रजी अल्लाह तनो हजरत अब्दुलमान रजी तन बिन औौफ हजरत साद रजील्ल्ल हजत ज़ुबैर रजील्ल्ल हजरत तला रजील ये छः की कमेटी बनाई थी उन्होंने उन्होंने कहा था कि इनमें से ये ऐसे लोग थे जिनको आसम से मोहब्बत थी आंसम इनसे मोहब्बत करते थे इन्हीं में से को खलीफा होना चाहिए अपने बेटे को नहीं उन्होंने शामिल किया हाँ ये कह दिया था कि अगर इन छः की जो कमेटी है इनमें कोई फैसला ना हो सके वोट आधे आधे हो जाए तीन एक तरफ तीन एक तरफ तो फिर आखिरी जो फैसला मेरे बेटे से ले लिया जाए उसकी राय ले ली जाए जिसके मतलब वो कहेंगे उसको खलीफा बना लिया जाए लेकिन अपने बेटे को इस कमेटी में खिलाफत के लिए शामिल नहीं किया था और झूठा आदमी बशीरुद्दीन महमूद अहमद वो ख़ुद साख्ता फजल उम्र क्या करता फिर रहा है कि मैं भी उम्र रजी अल्लाह तआला की तरह रखता हूँ खुदा बाप के बाद बेटा खलीफा नहीं हुआ तो अमल क्या है उसके उसने क्या किया है एम डी बैनों भाई और बुजुर्गों तुम समझते नहीं तुम्हारे साथ क्या फ़्रॉड किया है इन लोगों ने अच्छा मैं इसके बारे ये तफसील नहीं सुना सकता बहुत वक्त बचाना चाहता हूँ लेकिन मैं आप लोगों के आगे एक एक छोटे से चंद हैं वो मैं ज़रूर पढ़ना चाहता हूँ ये जो है एक काल है जनाब डॉक्टर सफर मामूद साहब का एक कालम है उसका अनुमान है गारत गरी ये मौरखा तीन नंबर 2010 को जंग अखबार में छाया हुआ था इसकी आखिरी चंद सतरे में पढ़ना चाहता हूँ आप लोगों के लिए आपको होश दिलाने के लिए कि आपके साथ क्या हो चुका है हमारे साथ क्या हो चुका है इन बलाएकदान क्या करके बैठी हुई है वो सफदर साहब कहते हैं कि यहाँ तक लिख चुका हूँ तो याद आया कि मैंने जवानी के दौर में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला तनों के आखिरी लम्हात के बारे में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का एक मार्का मजमून पढ़ा था जिसे मोहम्मद तफैल मरहूम ने नक्श नकूश के रसूल नंबर की जिल्द नाम में महफूज कर दिया इस मजमून से चंद सतरे नकल कर रहा हूँ जो हमारी आँखें खोलने के लिए काफ़ी हैं लेकिन जिनकी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है उनका कोई इलाज नहीं उमर रजी ला तु तन्हा जख़्मी नहीं हुए थे ऐसा मरूम होता था पूरा मदीना ज़ख्मी हो गया है ख़िलाफ़त इस्लामिया ज़ख्मी हो गई है इससे भी ज़्यादा ये कि ख़ुद इस्लाम इस्लाम पाक ज़ ज़मी हो गया है गम में डूबे हुए लोग अयादत के लिए आते थे और बे आपकी तारीफ में करते थे यानी हज़रतमर फ़ारूक़ रज़ील तहों की अब हर मुसलमान को सबसे पहला फ़िक्र यही था कि हज़रत उमर रजी अल्लाह तुम के बाद उम्मत का मुाफज कौन होगा जितने लोग आते अर्ज करते अमीरमिन अपना जानशीन मुकर करते जाइए आप ये तकाजा सुनते और चुप हो जाते आखिर इर्शाद हम क्या तुम चाहते हो कि मौत के बाद भी ये बोझ मेरे ही कंधों पर रहे एह डी बैनुल भाई और बुज़ुर्गों सुनो तोजह से ये थे हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह उनका रवैया ये था तो आप देखो ख़ुद सख्ता फजल उमर जो बना फिरता था मरदूद आदमी था वो किससे वो अपने आप को तशवीं देता फिर रहा था और किस उनका वो फजल उमर की जो इलामी टाइटल है सिफत है अलामत है माउ निशान रहमत की और माउ जकी मुसलमान की वो भी झूठे तौर पर अपना लगा पर अपने ऊपर लगा कर बैठ गया था जिससे मूस मौत का दावा करके कि बैठ गया था मैं फिर दोबारा पढ़ता हूँ आखिर इशात फर्माया कि तुम चाहती हो कि मौत के बाद भी ये बोझ मेरे ही कंधों पर रहे एक शख्स ने कहा आप अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तनो यानी बेटे को खलीफा क्यों नहीं मुकर कर देते फरमाया ऐ शख्स खुदा तुझे गर्द करे अहमदी बहनों भाइयों और बुज़ुर्गो कहती हो तुम अहमदी हो मुसलमान हो ये था वो खलीफा उसका रवैया देखें उसका अमल देखें तर्ज अमल वो क्या कह रहा है जिसने मशवरा दिया था कि अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को खलीफा बना दो उसके जवाब में वो क्या कहता है ऐ शख्स खुदा तुझे गर्द करे देख लिया आगे सफुल डॉक्टर सफर मामू साहब कहते हैं देख लिया आपने हजरत उमर रजी अल्लाह ने बेटे की नामजदगी की तजवीज़ देने वाले को कहा खुदा तुझे गर्द करे गोया मारूसियत गर्त की ही दूसरी शक्ल है हमें तो उन्नीस सौ चौरासी इन लोगों ने बलए कादियान में हमें तो गर्त कर दिया हुआ है हम तो इसी गर्त गर्द में फिरते फिर रहे हैं और इनको मुस्लिम बहुत बनाते फिर रहे हैं फजल उम्र बनाते फिर रहे हैं और दिन रात पूरी जमात कब्रिस्तान में इजलासों में जलसों में हर जगह पर यही मतलब कि ब्रेन वाशिंग यही डंडोरा अकीदत का इनके मतलब तो मुझे उम्मीद है कि समझ आए होंगे मेरे एमदी मुसलमान भाई और बुज़ुर्ग बहने वगैरह जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता था कि पाँचवीं जो वजह है उसके मुताबिक भी हज़रत उमर तआला अनहु जो थे उनके बाद उन्होंने जो बात कही थी उस पर अमल पूरा किया था अपने कौल को निभाया था मुसलमानों को धोखा नहीं वो दिया करते थे जबकि ख़ुद सख्त मुस्लिम बहुत बशीरुद्दीन महमूद अहमद एक फ्रेबक इंसान था उनके कॉल फिल्म में सख्त ज्यादा मैंने अभी सबूत आप लोगों को दे दिया है तो ये भी एक वजह है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताल पर कातलाना हमले और बशीरुद्दीन महमूद अहमद जो कसाब था मुफ्ती अल्लाह था उस पर जो कातलाना उसकी बतिन पर कातलाना हमले होता है इसके दरमान को मशब्द नहीं हम दे सकते ये पाँचवीं वजह मैंने बता दी है आइंदा वजूहत जो होंगी मैं इनशाला जो रह गई हैं छः हैं वंदा इन बात में उनका जिक्र करूँगा लेकिन अब सामिन कराम अब एक और थोड़ा सी मौक़ के मतलब मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ सामिन कराम याद रखें कि देहातों में देहाती जो लोग होते हैं सादा बेचारे जिनके पास असला नहीं होता बंदूकें नहीं होती गरीब लोग होते हैं का, काश्तकार होते हैं जंगलों में रहते हैं तो वो अपने माल मवेशी की हिफाजत के लिए अपने घरों और हवेलियों में ख़रनाक किस्म के कुत्ते पाल लेते हैं कुत्ते रख लेते हैं ताकि अगर चोर आए चोरी करने के लिए ताकि वो कुत्ते जो रात को छोड़ देते हैं दिन को बांधे रखते हैं ताकि वो दिफा करें उस किसान का या वो जो जंगल में रहने वाला बंदा है तो खुद मैं सारी ज़िंदगी जंगल में हवेली में हम हमने ज़िंदगी गुजारी है हमारे भी मेरे बड़े भाई थे हमारे पास भी कौन सी गने थे या बदूखें थी हमने भी वहाँ पर जो रस्म रिवाज था इलाके का उसके मुताबिक मेरे भाइयों ने भी कुत्ते रखे हुए थे अच्छे थे तो इस दिफा मतलब के चोरों से अपने माल मवेशी को बचाने के लिए ये ना सिर्फ़ मेरे भाई बल्कि सारे लोग एक रिवाज है वहाँ पर जंग में ना देहातों में तो मैं बताना चाहता हूँ कि अपना देहाती लोग जो होते हैं चोरों से अपने माल मवेशी की हिफात के लिए अपने घरों और हवेलियों में खतरनाक कुत्ते रखा करते हैं यानी चोर कुत्ती जब मिल जाएं तो फिर वो जिसकी वो जो कुत्ते रखे होंगे उसके सामान को कोई नहीं फिर बचा सकता क्योंकि वो जो रखवाले हैं जब रखवाले और चोर मिल जाएं रखवाले कुत्ते होते हैं ना रखे हुए जब कुत्ते ही चोरों के साथ मिल जाएं तो फिर किसी भी शरीफ इंसान के माल या सामान को चोरी करने से कोई नहीं बचा सकता और ये एक ज़िंदा मिसालें हैं और मैंने तो ख़ुद अपनी ज़िंदगी में जंगल में रहा हूँ और वहाँ से पढ़ाई करता रहा हूँ सिक्सटी में मैं चला गया था इस्लाम हाई स्कूल रबा में तो वहाँ से जंगल से कभी साइकिल पर कभी साइकिल पंक्चर हो गया था तो पैदल ही सुबह जाना और शाम को वापस आ जाना तो रहता रहता अपने अपनी, अपनी ज़िम्मेदारा भी अपने भाइयों के साथ अपनी मर्जी से शौक़ से करता था पढ़ाई भी करता था तो बहुत सारी बातें मैं हूँ छोड़ रहा हूँ लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ए मेरे सामने ए मेरे एम दी बहनों भाई और बुज़ुर्गों और दीगर सामने करा जमात अहमदिया या अहमदियत मुश्तम है हक इमाम हकमाम महदीबाम मिर्ज़ा गुलाम अहसम के इल्मा तहरीरी फरमदात और ज़बानी मलफूजात पर नंबर एक नंबर दो चौदह मार्च उन्नीस सौ चौदह के दिन हज मौलवीनद्दीन रजी अल्लाह तुकी की वफ़ात के मौका पर खुद सख्ता फसल उम्र जनाब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन मम्मन ने हकमुदल हत मिर्ज़ा ग़ुला इसम की जमाती अहमदिया पर कब्ज़ा करके वो खुद ही इसका रखवाला बनकर बैठ गया दूसरी बात सुन लीजिए तीसरी बात अभी मैंने बताया है कि जब चोर मिल जाए तो फिर किसी का माल या सामान चोरी करने के लिए चोरों के लिए कोई रुकावट नहीं हो सकती लेकिन जो तो महाफजी मिल जाए चोरों के साथ तो ये तो खुद मुहफुज बन बैठ गया कब्ज़ा करके अब बलाएमश ये नौ अप्रैल उन्नीस सौ सात का इल्हाम है मिर्ज़ा ग़लाम साम का यानी यानि बलायकादियान ये मैं दो अगस्त दो हज़ार उन्नीस के खुतबा जो उन्होंने सबत कर दिया है कर चुका हूँ गुजशत साल भी कि ये बलाय बलायमिश से मुराद ये बलायका का टोला है ये सारा तो अब बलायद मशक यानी बलाय कादियान या जनाब मिर्ज़ा बशीन महमूद अहमद और उसके हवारी या इसका ग्रुप ही तो वो चोर था जिसने झूठे दावे करने के लिए मिर्जा ग़ुलाम एमसम के इल्हामों को मिस यूज़ किया था या मिस यूज़ करना था आपकी तहरीरों और मलफूज़ात को मिस यूज करना था बलाए कादियान यानी जनाब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद ही वो डाकू था सामने के नाम जो कि अपने मोहरम बालदम इमाम महदीबा मसीम की जमात अहमदिया या आपकी अहमदियत पर कब्जा करके बैठ गया था चौथी बात दूसरी तरफ इस डाकू या चोर ग्रुप यानी बलाए कादियान मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद और उनके जानशीनों ने अफराद जमात यानी अहमदियों की जेनी ततहीर यानी ब्रेन बाशिंग इस तरह करनी शुरू कर दी कि वो अकीदत के गुप अंधेरों में लस्सी पीकर सो गए या उन्हें सुला दिया गया या उन्हें जिंदा दरगोर कर दिया गया अब खाकसार उन्हें जगाने के लिए दिन रात कोशिशें करता फिर रहा है लेकिन वो आज तक सोए हुए हैं और जागने का नाम ही नहीं ले रहे हैं यानी वो जो इलामी पेश हुई मुझसे मौत में है ना इलामी कि ए मुजफ्फ़र तुझ पर सलाम ख़ुदा ने यह कहा था वो जो ज़िंदगी कहाँ हैं, हैं मौत के पंजा से निजात पामें और वो जो क़ब्रों में दबे पड़े हैं बाहर आने अब इस वक्त जमतीम के कब्रस्तान की यही कैफ़ीत बनी हुई है सारे लोगों को जिंदा जरूर कर दिया गया है बे वशन के साथ जीनी तस्हिर के साथ ऐ मेरे अहमदी बहनों भाइयों बुज़ुर्गो अब तुम जाग जाओ मजहब या हकीकी इस्लाम का नाम लेकर या इसके पर्दे में तुम्हारे साथ वो हाथ हो गया है जिसकी मिसाल कम अज़ कम मजहबी तारीफ ने तारीख में कभी नहीं मिल सकेगी आप लोगों को मुझे नहीं मिली ऐ मेरे ऐमदी बहनों भाइयों और बुज़ुर्गों और दीगर सामने क्राम आखिर पर खाकसार पंजाबी के इस शेर के साथ अपना खुतबा जुमा ख़त्म करता है इस उम्मीद के साथ कि होश आने पर जब मेरी ऐमदी बहनें भाई और बुज़ुर्ग जल्द या बदेर जागेंगे तो उस वक्त उन्हें ना सिर्फ़ ख़ाक के दावा माऊ जकी ऊलाम मसीह जुमा यानी मौद मसले की समझ आ जाएगी और ये जो खाकशाह उन्हें बता रहा है कि खुद सख्ता फ़जल उम्र मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद का मुसे मौद होना तो दरकिनार फजल उम्र होना तो दरकिनार वो तो एक शरीफ इंसान भी साबित नहीं हो सकता इसकी भी उस वक्त उन्हें उनको समझ आ जाएगी जब उनको होश आएगी मैं ये शेर अपनी उन अहमदी बहनों भाइयों और बुज़ुर्गों के लिए सुना रहा हूँ या उनकी नज़र कर रहा हूँ जो कि अक़ीदत यानी खलीफा खुदा बनाता है खिलाफत की बरक़ात या योम मुसे मौत के राग इन के टीके लगा लगा कर इन्हें गहरे मदहोश कर दिया गया है जमाती कब्रस्तान में और ये सिसरा उन सौ से आज तक शुरू हुआ है वो बेचारे सोए हुए मदहोश हो चुके हैं वो शेर पंजाबी शायर का जो है कि निगी चादर तान के सो गए मालक चोर पछाण के सो गए निगी चादर तान के सो गए मालक चोर पछाण के सो गए लुटन वालियाँ रज के लुटिया जागण वाले जान के सो गए सामने किराम ताली की हजूर हत मिर्ज़ा गुलाम ये, की ये कि ये इल्हामी दुआएं पढ़कर दुआ करता हूँ कि रब इन्नी मगलूबर रब इन्नी मजलूम फन तसर रब इन्नी मगलूबर फ़साह हम का या लाहो फत रबनी अल्लाार रब जालनी ालिबन अ़़ैरी रब फरक बैना सदकिन बकाब बिन अनता मुस्लिम बसादिकन ربي إن قومي كذبوني فافتا بيني وبينهم فتهم ونجني ومم من المؤمنين رب نفتا بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين رب سرني على القوم المفسدين رب سرني على القوم الفاسقين رب سرني على القوم الكافرين اكرشما اے میرے خدا اکرشما اپنی قدرت کا دکھا अब बहुत कुछ हो चुका है एक करश्मा अपनी कुदरत का दिखा तुझको सब कुदरत है ए वरा। हक परस्ती का मिटा जाता है नाम स्पेशल कब्रस्तानी जमाती में तो, ही ना तो है ही नहीं वहां पर तो झूठ प्रस्ती है दजल परस्ती है हक परस्ती का मिटा जाता है नाम एक निशान दिखला के हो जो तमाम वहमदुल्ल वसूल ही محمد بن المصطفى افضل الرسل وخير الورى سيدنا وسيد كل ما في الارض والسماء وما علينا الا البلاء واخر الدوان ان الحمد لله رب العالمين اولا واخر وظاهر وباطن هو مولانا نعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي वजहानिल फहशाये वल मुनकरे वलबुम लल्लाकु तूकुर वल जिकल्लाहे akbar